Okay, so last class we were discussing about subset of a set, right? Yes, sir. Yeah. So subset का idea मैंने बताया था, जैसे suppose आपके पास एक सेट सेट 1, 2, 3 एंड बी इज अनदर सेट से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ओके सो वी कैन सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए एवरी Every element of A is in B. So we can say that A is a symbol. This was a symbol. C जैसे लिखते हैं. A is a subset of B. A is a subset of B. ठीक है एंड समटाइम्स बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए ऐसे बोलते समटाइम्स ऐसे बोलते ऐसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि बी सुपर सेट का सिंबल जो सबसेट का सिंबल का ऑपोजिट ऐसे B is a super set of A. ऐसे बोलते Now, another thing इसमें से आप समझ सकते हैं कि every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. जैसे A is a subset of A itself. है ना? क्योंकि every set of A is in A. Correct? Yes, sir. So every set is a subset of that set itself. Also, null set. Is subset of every set. Null set. Is a subset of every set. Null set को हम normal represent लगते करते phi. Phi is a सबसेट ऑफ क्योंकि null set में कोई एलिमेंट्स नहीं है सो कोई एलिमेंट्स नहीं है तो मीन्स बाई डिफॉल्ट एवरी एलिमेंट ऑफ फाइव इज इन दैट इज इन ए क्योंकि null set में कोई एलिमेंट्स ही नहीं सो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ दैट सेट इटसेल्फ एंड null set इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट देन अनदर कुछ पॉइंट्स लाइक natural number आपको पता है natural number is a subset of real numbers correct natural numbers is 1, 2, 3, 4, 5 etc real numbers मतलब पूरा का पूरा numbers आएगा integers is a subset of real numbers rational numbers q is a subset of real numbers isn't it Set of all positive rational numbers is a subset of real numbers. Then natural number is a subset of whole numbers.
क्योंकि नेचुरल नंबर में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स होल नंबर में भी है. अंडरस्टूड? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट. देन इंटरवल नोटेशन, जैसे इंटरवल नोटेशन बोलते हैं. सो जैसे ये लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड p, इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग putting a and b, इसका मीनिंग वही है. तो इसको हम इंटरवल नोटेशन यूज करके ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a b, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a b. इट इज ऐसे रीड करते, इट इज रीड as क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऐसे रीड करते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी. उसका इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग मतलब दिस इज द मीनिंग, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बोथ ए एंड बी. ओके, सो एक नोटेशन है इंटरवल, इसको बोलते हैं इंटरवल, इंटरवल नोटेशन बोलते हैं, इंटरवल नोटेशन. नाउ अभी ये लेस देन एक्स लेस देन बी, इसका मतलब क्या है? देयर इज आल्सो ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, बट ए एंड बी इज नॉट इंक्लूडेड. तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इसे दैट आल्सो इंटरवल, बट हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं. इट इज रीड एज ओपन इंटरवल, इट इज रीड एज ओपन interval, open interval, open interval a b, open interval a b, read karte open interval a b, open interval a b matlab, so iska meaning hai ye set of all real numbers between a and b, but a and b is not included, it is open. Open matlab either a is n points, a is not included, b is not included. Theek hai? And another situation aise bhi aata hai na, jaise set of all real numbers between a and b, but a is not a is included but b is not included, so it is also interval, interval notation. A ka side mein closed hai kyunki a is included, b ka side mein open hai, open. A is included but b is not included. Then a less than x less than or equal to b, iska meaning hai a is not included, b is but b is included. So included. इसको हम open interval भी नहीं बोलेंगे, closed interval भी नहीं बोलेंगे. This is half open, half closed. ऐसे वाला है, एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज्ड है. ठीक है, बट इसका मीनिंग आप समझ लेना, दैट्स ऑल. नोटेशन चार टाइप ऑफ, चार प्रकार का नोटेशन है. ये दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी, मतलब दोनों साइड क्लोज, इट इज क्लोज इंटरवल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी. इधर दोनों साइड ओपन इंटरवल, नॉर्मल ब्रैकेट, सो इट इज रीड एज ओपन इंटरवल, दैट मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, बट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड. थर्ड वन, दिस इज ए का साइड क्लोज, दैट मींस ए इज इंक्लूडेड, बी का साइड ओपन है, बी इज नॉट इंक्लूडेड, एंड ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी. एंड
Okay, so here also the second, fourth one is also half open, half close. Left side is open, right side is closed. This comes as a set of all real numbers between A and B. A is open. That means A is not included. B is included. So these are interval notation. Aaya samajh mein? Yes, sir. So jaise for example lenge to set of all real numbers between 3 and 7, so simply you can use the notation 3 comma 7. I say or a set of all real numbers between 2 and 10. 2 is not, so 2 is included, 10 is not included. Half open, half closed. Clear? Okay. Now, so that is all, that's all about interval notation. So there is another concept before going to the problems, another concept which is known as power set bolte, power set. Power set matlab set of all subset. Set of all subsets of a set. That is known as power set. Example bolenge to jaise ek example se batata hu. A is equal to set 1 2 3. So iska sabhi subsets likhna, sabhi subsets. So why jaise step by steps likhenge. जैसे पहले एक एलिमेंट का सबसेट लिखेंगे, देखो सेट वन, सेट वन बोलना, सेट सबसेट मतलब जैसे सेट, सेट टू, सेट थ्री, सो ये सब, ये तीनों उसका सबसेट है. अभी टू एलिमेंट्स का लिखेंगे, सेट वन कॉमा टू, सेट वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री, set 2 and 3. So ho gaya abhi three elements ka, three elements wohi set hai itself, ye itself. And maine aapko bola tha phi null set is a subset of every set. Theek hai, understood? So power set is a set. Yes sir. Set of what? Set of all subset means iska set. Dekho power set matlab पावर सेट इज ऑल्सो ए सेट, सो इसलिए सेट है. सो सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट. उस सेट का सभी सबसेट्स लिखा है, उसका सेट, दैट इज नोन एज पावर सेट. सो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स आर सेट्स, है ना? एलिमेंट्स नहीं तो मेंबर्स. Of a power set are sets. बाकी हमने पहले देखा set of natural numbers, उसके अंदर numbers रहते थे. But power set का specialty ऐसे है कि power set is a set of all subsets of a set. यानी सब power set के अंदर members भी, एक-एक member भी एक-एक set रहते हैं. Okay? And it is normally denoted by सिंबल, डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी ऑफ, नॉट प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, सेट का केस में. सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स.
And one more point. One more point, you can see how many elements are there. इसमें से count करो. Eight elements. So set में कितने elements था? Original set में? Three. So three. number of elements of A. A में मान लीजिए n elements है तो number of elements of power set of A उसमें से होगा 2 to the power n elements. So that is another specialty. Okay, that is the concept of power set. And one more concept is there. Like universal set बोलते हैं, universal set. तो जब एग्जाम वो प्रॉब्लम करने के लिए यूनिवर्सल सेट मतलब हम कभी एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर नहीं तो रियल होल नंबर. सो उससे बड़ा सेट, जैसे नेचुरल नंबर के बारे में बहुत बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, दिस आर उसका सबसे बड़ा सुपर सेट है, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स. सो हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. वो कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम करने के टाइम आपको क्लियरली समझ में आएगा. अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे. देखो पावर यूनिवर्सल का ही मैंने बोला, यूजुअली इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जैसे वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट. जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे तो नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे बड़ा सेट कोई भी बड़ा सेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा सेट रियल नंबर्स. सो वी कैन से दैट रियल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नहीं तो हम ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन के बारे में कितना नंबर्स है करके. सो यूनिवर्सल सेट मतलब ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल सकते हैं. सो यूनिवर्सल सेट मतलब इतना है कि वो कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट, दैट्स ऑल. अभी कम टू दिस पॉइंट, विल कम टू द मेन पॉइंट, एक्सरसाइज 1.3. सी make the correct statement by filling in the symbol subset, not a subset. So 2, 3, 4. Subset hai kya nahi? Yes. Dekho 2, 3, 4. Second set is 1, 2, 3, 4, 5. So it is a dikh rahe na screen? Yes, sir. Subset. Yes, sir. It is a subset. Subset. A, B, C, B, C, D. Not a subset. Not a subset because A, first set mein A hai, second set mein nahi hai. So it is not a subset. X is a student of class 11 of your school. Set of all elements such that X is a student of your school. Subset. Yes, subset sir. Subset. आपका स्कूल का, आपका क्लास में जितना भी बच्चे हैं, पूरा का पूरा बच्चा स्कूल में भी आएगा ना. सो सबसेट एक्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एंड राइट साइड में एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1. सबसेट है क्या?
राइट लेफ्ट साइड में पूरा सर्कल्स प्लेन में जितना भी सर्कल्स है पूरा का पूरा सर्कल्स कितना भी रेडियस हो राइट साइड में ऐसे है कि विथ ओनली वन यूनिट लेफ्ट साइड सबसेट नहीं है बट राइट साइड लेफ्ट साइड की सबसेट राइट साइड एक्चुअली लेफ्ट साइड का सबसेट था बट लेफ्ट साइड बोलेंगे तो हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं इट इज नॉट ए सबसेट क्योंकि लेफ्ट साइड इज अ बिगर सेट Understood? Then next देखो x is a triangle in the plane, x is a rectangle in the plane. Not a subset. बिल्कुल not a subset. Entirely different thing. Left side x is an equilateral triangle, set of all equilateral triangle. Right side में set of all triangles in the same plane. Yes sir, subset है. Subset है. Subset. Sorry. Then x is an even natural number, x is an integer. Subset है. सबसेट क्योंकि सब भी इवन नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर भी आएगा सो इट इज ए सबसेट ओके नाउ ट्रू और फॉल्स है करके बोल देना देखो ध्यान से देख लेना आप बोल देना मुझे सेट ए कॉमा बी is not a subset of set B, C, A. False. It is false. Actually, it is a subset. Hmm? So it is false. Now, next they go. Set A, E. Is a subset of set of all vowels in the English alphabet. Of course, A, E, I, O, U, A. Right side mein A, E, I, O, U, aayega. So, of course, it is true. It is a subset. Kyunki right side set aise aayega. A, E, I, O, U. Left side. Set 1, 2, 3. Is subset of set 1, 3, 5. False. False. It is false because 1, 2 is not there. Hmm? It is false. Set A is a subset of set A, B, C. True. True. Next they go. Next set A is a element of ABC. True. False. It is false. Kyungi set. सेट ये नहीं ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसे मेंबर ये इसे मेंबर ऑफ सेट ए बी सी ऐसे बोल सकते ये इसे मेंबर ऑफ बोल से ये इसे मेंबर ऑफ ए बी सी अंडरस्टूड ऐसे बट सेट ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए बी सी क्लियर This is true. A is a member of ABC. Bolenge to that is true. Is it clear? Then set A, set of all even natural numbers less than 6. Right side mein natural number which divides 36. So right side mein aayega natural number divides 36. 1, 2, 3. 4
सो इवन नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड में आएगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 2 4 6 में आएगा ना, लेस देन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 इवन है, सो 2 4 6 से लेस है, सो 2 4 तो देखो सबसेट है ना, 2 4 राइट साइड में भी है, 2 इधर है, 4 है, सो इट इज ट्रू. Clear? अभी नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई. देखो सेट देख लेना, बराबर सेट देख लेना, सेट 1 2 3 4 5 1 2 एलिमेंट्स देखो, 1 इज एन एलिमेंट, 2 इज एन एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट सेट है 3 4, it is not 3 and 4, tisra element ek set hai 3 comma 4 set and fourth element 5, so there are 4 elements. Dekho set 3 4 is a subset of A, true or false? No, it is false. Incorrect. Kyunki set 3 4, you can see that it is a member of A, hai na. Members of A, देखो, yes, members of A are 1 2, then तीसरा member, तीसरा member it is a set 3 comma 4, it's a member, it means that member is a set and 5. So we can ऐसे बोल सकते हैं कि set 3 4 is a subset of A. Give the set containing one element. I say. Then set 3 4 is a member of A. It is true. Correct. देखो set 3 4 subset of A. True. क्योंकि it is a set containing one element. That element is set 3 comma 4. One belongs to A. True. Yes. One subset of A. No. False. One subset of A करके नहीं बोलेंगे, set 1 subset of A बोलते normally. Then 1 2 5 subset of A. True. Set 1 2 5 belongs to A. No. Incorrect. Incorrect. Set 1 2 5 नहीं, 1 belongs to A बोलते हैं, 2 belongs to A बोलते हैं, 5 belongs to A बोलते हैं, ठीक है? Set 1 2 3 subset of A. No. क्योंकि 3 is not a member of A. ऐसे कोई member ही नहीं. A में 3 एक member नहीं है. This was. 5 is an element of A. True. नहीं. Yes. No. False. Because 5 is a subset of A. ये में किधर है 5? ये में 5 नहीं है. जैसे suppose मान लीजिए आपका set एक set ऐसे था, B is equal to subset 5 comma 1. ऐसे बोलेंगे तो we can say that 5 is an element of B, क्योंकि वो B के अंदर 5 एक element के रूप से आ रहे. Understood? But either anyway, 5 is not a subset of A. 5 is not a member of A. 5 is a subset of A. So next one, true. 5 is a subset of A. Correct. Yeah. Then set 5 is a subset of A. Incorrect. False. Because 5 is a subset of A. अभी मैंने इधर एक एग्जांपल दिखाया था. इधर आप बोल सकते चाहिए तो जैसे set 5, क्योंकि A 5 is a member, so set 5 is a subset of B. ऐसे बोल सकते हैं, but क्योंकि इधर एक member भी 5 था, ऐसे ही normally ऐसा नहीं लिखते. तो 5 is not a member of A, it is false. 5 is a subset of A, that is true. Set 5 is a subset of A, no, it is false. Okay. Clear?
यस सर तो देखो फोर्थ वन राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट सो ए सेट ए कितना सबसेट है दो ओनली वन सबसेट फोर्थ वन का क्वेश्चन नंबर वन में ओनली वन सबसेट दैट इज सेट ए नल सेट एंड नल सेट ये सारे सबसेट्स इसके अलावा कोई सबसेट नहीं है सेट ए बी का लिखेंगे तो नेक्स्ट सेट ए बी का आ रहे सेट ए आ सकते हैं सेट बी आ सकते हैं सेट ए कोमा बी आ सकते हैं देन नल सेट दिस आर द चार सबसेट्स अंडरस्टूड ये तीसरा वाला ऑलरेडी हमने किया था अभी बोर्ड में मैंने दिखाया था है ना एंड फाइव का क्या क्या आ सकते हैं फाइव का आता है only sub it is just phi only phi is a null set every set is a subset of that set itself so phi ka subset hai only one subset that is phi and that is correct also kyunki phi mein zero number of elements hai zero number of elements hai to 2 to the power 0 one subset se understood yes sir क्वेश्चन नंबर अभी तो सब हो गया हम बाद में भी करें अभी सिर्फ वन मिनट लेफ्ट वी विल डिस्कस दैट इन द टुमारोस क्लास ठीक है ओके सो सी यू टुमारो